अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा हेल्दी सैलड। उसके लिए मैंने ली है ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च हाफ से कम है, हाफ एप्पल है, थोड़ा सा धनिया है, ब्लैक ऑलिव्स हैं और क्यूकम्बर है, येलापिनो है थोड़ी सी, और ये 4 रेडिश हैं, और इसके अलावा थोड़े से अनार हैं मेरे पास, और ये हैं हाफ टी स्पून मेलन सीड्स जो कि जिनको 4 मगज़ कहते हैं उर्दू में, और 1 टीस्पून है सनफ्लावर सीड्स। तो इनकी मैं कटिंग करती हूँ और मज़ेदार सा सैलड रेडी करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और फीडबैक भी दें। बहुत हेल्दी सैलड है, इसमें फ्रूट का पोर्शन भी कवर हो जाता है। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया और इसमें वेजिटेबल पोर्शन भी आ जाता है। तो ये मेरे पास 1 पोर्शन फ्रूट हो गया, ये मैं 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ, और मेरे पास वेजिटेबल्स का अनलिमिटेड पोर्शन ले सकते हैं। कैप्सिकम जी, तो ये मैं रेडिश कट कर रही हूँ स्मॉल पीसेस में। बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और सैलड में बहुत अच्छा कलर भी आता है रेडिश से। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें ये वाला सैलड। तो ये जी हो गई रेडिश कट, और इसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी कुकम्बर। तो कुकम्बर स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। पाकिस्तान में तो पील करके डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, और बिलीव में बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्ट आता है कुकम्बर का। और फिर ये सीड्स ऐड हो गए, और फिर मैंने ऐड की येलापिनो स्मॉल पीसेस में कट करके। ये इतनी तीखी नहीं होती तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसको टर्किश पेपर भी कहते हैं। और ये कोरिएंडर है और ब्लैक ऑलिव्स, और फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला, और 1 टी स्पून मैंने लेमन जूस, और फिर सीजनिंग ऐड कर दी ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और जी ये मज़ेदार सा सैलड प्रिपेयर हो गया, लुक्स यम्मी। तो इसको आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, और विद मील आप फ्रूट एंड वेजिटेबल पोर्शन में भी ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।